अरविंद सागर, जनवा टाइम्स। इस समय मैं साथियों सीमापुरी विधानसभा सीमापुरी में खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर इस ये विधानसभा है श्री राजेंद्रपाल गौतम, और वो समाज कल्याण मंत्री भी हैं और आम आदमी पार्टी से। यहाँ पर इस समय आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी से तो खुश हैं, लेकिन विधायक से नाराज होने के कारण सभी कार्यकर्ताओं ने एक मोर्चा खोला है। तो आइए हम कार्यकर्ताओं से ही सुनते हैं उनकी मुँह जबानी। सर, आप बताएं कि क्या संदेश देना चाहते हैं आप अपनी विधानसभा के लिए, और क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई जो आप लोगों को विधायक के खिलाफ मुहिम छेड़नी पड़ गई? ये जितने भी कार्यकर्ता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, और राजेंद्रपाल गौतम हमारे जो विधायक जी हैं, उनसे कहते हैं संतुष्ट नहीं हैं और बहुत पीड़ित हैं। ये यहाँ पर एकजुट हुए हैं, परंतु आम आदमी पार्टी के कहते हैं साथ हैं, अरविंद केजरीवाल जी के साथ कंधे से कंधे लगा के साथ देने वाले हैं, परंतु ये चाहते हैं कि राजेंद्रपाल गौतम जी दोबारा से कहते हैं इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व ना करें, विधायक ना बने। ये पब्लिक की यही मांग है। और रहा सवाल कहते हैं कार्यकर्ता का, कार्यकर्ता तो आम आदमी पार्टी के साथ है ही है, परंतु ये असद नज़र जो आ रहा है, ये पूरी तरह से पीड़ित कहते हैं कार्यकर्ता हैं राजेंद्रपाल गौतम जी से। तो ऐसी क्या समस्या आ गई जो, क्या आप उनके कामों से संतुष्ट नहीं है या सरकार के कामों से संतुष्ट नहीं है? नहीं, सरकार के काम से सारे के सारे कार्यकर्ता संतुष्ट है, परंतु राजेंद्रपाल गौतम जी के काम से कोई भी कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं है। सब पीड़ित लोग हैं ये, और पूरी विधानसभा में कहते हैं असंतुष्ट फैला हुआ है। कहते हैं उनके खिलाफ सारे विरोधी हो चुके हैं, उनके खिलाफ हो चुके हैं, कहते हैं उनकी रणनीति, उनका व्यवहार बहुत बेकार हो चुका है। वो एक धार्मिक विरोधी व्यक्ति हैं और जातिगत बात करते हैं, जातिवाद मिश्र बीच काम कर रहे हैं, इसलिए सब पीड़ित लोग हैं ये। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे विधायक जी के बारे में? मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि ये जब से हमारे एरिया में विधायक बने हैं पिछले 5 साल से, हमारे एरिया में इन्हें घुमाया जाए तो इनकी कोई फोटो नहीं देख के पहचान सकता ये आदमी वही है विधायक, और इन्हें कोई बुलाने पे ये लोग आते नहीं। अब ये जितने भी लोग हैं सब परेशान हैं आज उनसे। अगर उन्होंने ये काम किया होता तो हम लोग उनके साथ जरूर खड़े होते। हम सिर्फ पार्टी के साथ हैं, मगर हम पार्टी से भी ये निवेदन करना चाहते हैं कि ज़बरदस्ती हम पे ये फैसला ना थोपा जाए, ये दोबारा टिकट इन्हें ना दी जाए। बल्कि हम तो ये चाहते हैं जो इन कार्यकर्ताओं में हैं, इनमें से किसी एक को चुन के हमारा विधायक का टिकट दिया जाए, जो हमारे क्षेत्र के लिए हमारे बीच में से निकलेगा तो हमारे बारे में सही से सोच सकेगा और सही से काम कर सकता है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, मैं कहना चाहता हूँ हमारी जो विधानसभा सीमापुरी है, अगर आप इसकी एंट्री देखोगे ना, मेंटल हॉस्पिटल से चालू होती है, वहाँ से यहाँ तक का रोड सारा देख लो, सबसे बुरा हाल है इस कॉलोनी का, इस इलाके का। तो वो तो ये कहते रोलते मैंने यहाँ कोई काम में कमी छोड़ी नहीं है, सारे पूरी विधानसभा एकदम चमका दी है मैंने। ऐसा कुछ भी नहीं करा, हमारे बराबर में विधानसभा क्षेत्र है गोयल साहब का, वहाँ देखो, वहाँ की लाइटें देखो, वहाँ का रोड देखो कितना बेहतरीन है। यहाँ देखो, हम खुद कंप्लेंट करते हैं, हम खुद रोड पैच की कंप्लेंट कर करके मैंने रोड पैच का काम करवाया कितनी बार, पर कोई सुनवाई नहीं होती अब। तो इसका मतलब सभी लोग मतलब विधायक जी के काम से संतुष्ट नहीं है। आप सर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, जैसे सभी ने बताया पहले से कि राजेंद्रपाल गौतम जी का व्यवहार, उनकी कार्यशैली, उनका काम करने का तरीका जो है बहुत ही अलग है, और जनता उनसे उनके इसी कारण से बहुत ज़्यादा नाराज हैं। जनता की जो ग्रीवांश है, जनता के जो काम है उसको वो ढंग से सुनते नहीं हैं, अपनी मनमानी करते हैं, और जो क्षेत्र के लिए काम करने चाहिए वो क्षेत्र के लिए काम नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ बहाना बनाते हैं कि मेरे कंधों पर पूरी दिल्ली का बोझ है। तो कहने का मतलब ये है कि आप बदलाव चाहते हैं इस विधानसभा में? जी बिल्कुल, बदलाव चाहते हैं, हम चाहते हैं सरकार से, अपने केंद्रीय नेतृत्व चाहते हैं कि इस विधानसभा को कोई नया चेहरा दिया जाए जिससे जनता और कार्यकर्ता संतुष्ट महसूस कर सकें। सर देखिए, ये बहुत बुजुर्ग सीनियर हैं और इन्होंने जो है फरका फरिश्ती बहुत चला रखी है। ये इनके साथ विधानसभा के बहुत ना के बराबर कार्यकर्ता हैं। जब ये कार्यकर्ता को दिखाते हैं तो अपने रिश्तेदारों को, कोई गोकलपुरी का है, कोई भजनपुरा का है, कोई जय भीम वाले बुला लेते हैं, और कुछ इनके 10-5 दफ्तर के कार्यकर्ता होते हैं, 25-30 होते हैं, 5-7 वहाँ के होते हैं। तो आम आदमी पार्टी को ये दिखता है, हर आदमी को, कि ये 50 आदमी बैठे हैं। वास्तविकता देखी जाए तो इनके साथ कोई नहीं है। हम अपने मुखिया से बल देकर के कहना चाहते हैं कि इस विधानसभा को बचाना है तो गौतम जी को हटाना है। और कोई कुछ कहना चाहता है? जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा कहने का तात्पर्य यह है, केवल विधानसभा के अंदर जाति भेदभाव को खत्म करके
केवल एक ही मुद्दा रखा जाए पार्टी का। चलिए और कुछ, हाँ देखिए ये मौलाना साहब हैं, ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार इनकी भी सुनते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे रहते हैं, ना हमारे अंदर जाति भेदभाव है, कुछ नहीं है, हम आपस में भाई भाई हैं। अगर इसके अंदर हमारे अंदर इतराज कोई फैलाता है, कोई बात कोई लीक करता है, कोई बात फैलाता है, वो हमारे प्रशासन के खिलाफ है, हमारे हदीस के दीन के खिलाफ है। हम भाई भाई हैं, आपस में एक मोहब्बत वाले हैं, हम पैगाम मोहब्बत के पैगाम लेके चलने वाले हैं। दूसरी बात एक और है, जो जब से हमारे क्षेत्र से विधान सभा से सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र से गौतम जी बने हैं MLA, हम उनको अपना मोहब्बत से, हमने प्यार से उनको अपना मोहब्बत से अपना अंगरक्षक बनाया, हमने अपने घर का मोहब्बत प्यार भाई भाईचारा से बनाया। हमने ये सोचा कि हमारे सामने हमारा एक लीडर अच्छा बन के लीडर आएगा, हमारा सपोर्ट करेगा, हमारा साथ करेगा, हमारा जीना मरना वक्त हर चीज़ में काम आएगा। लेकिन आज इन्होंने विधायक जी ना, हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी जो है, सिर्फ इनके पास जो काम करने वाले हैं, सिर्फ इनके खानदानी लोग हैं, इनके अपने घर के लोग हैं। हमारे विधानसभा क्षेत्र कोई बच्चा इनके साथ काम नहीं करता, ना किसी बच्चे को इन्होंने नौकरी दिलवाया है, किसी ना किसी काम में लगाया है, सिर्फ लगाया तो इन्होंने अपने लोगों को लगाया है और किसी को नहीं लगाया। और आप रह गए विकास के मामले में, आप यहाँ से लेके GT ये रोड देख लीजिए, सीमापुरी जो नई सीमापुरी का रोड जो है, ये रोड में कितने विकास कराए, वही हत्या के गड्ढे हुई हैं। उसके बाद हमारे यहाँ जो यार रसूलुल्लाह मस्जिद से रोड है, इस रोड को देख लिया आप, कहीं भी विकास नहीं हुआ है। हमारे यहाँ विकास के नाम पे पैसे खाए गए हैं, हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। अब हमें तो ऐसा लीडर चुनना है जो हमारा साथ दे और हमारा विकास करे, हर वक्त में हमारा साथ रहे। हमें ऐसा विधायक नहीं चाहिए जो हमने मेहनत करा और हमारे सर पे जूते मारे, हमें ऐसा विधायक चाहिए जो हमें हमारा सपोर्ट करे, हमारे साथ दे, जो पब्लिक के साथ खड़े रहे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ बोलेंगे। हाँ जी बताएं, आप क्या चाहते हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या इस विधानसभा में क्या बदलाव चाहते हैं? हमने सोचा तो कुछ और था कि विधायक जी हमारे आएंगे तो हमारे विकास के कार्य भी होंगे और लोगों का सम्मान भी करेंगे, लोगों के काम में हाथ बटाएंगे। बाकी उसका उल्टा हुआ, यहाँ तो उन्होंने गुटबंदी शुरू कर दी है, कुछ चंद लोगों को इतने बगल में लेके वो जाना अपना अपने मनमर्जी के मुताबिक काम करते हैं। और एडवोकेट होने के नाते से वो एडवोकेट के और वकालत के ही दाव पेच लगाते हैं, लोग उनके कार्य से संतोष नहीं है। इसलिए जो है ना लोग चाहते हैं कि हमें विधायक जो है ना अभी जो वर्तमान में है वो नहीं चाहिए, और दूसरे विधायक को किसी को आने का दिल्ली सरकार चांस दे, केजरीवाल जी चांस दे, जिससे कि जनहित में परिवर्तन आ सके और बदलाव आ सके। अच्छा हम सभी ये चाहते हैं कि चलिए विधायक के लिए तो आप सभी का बहुत रोष है आप लोगों में, लेकिन दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन हो? केजरीवाल। दिल्ली में मतलब आप दिल्ली सरकार के कामों से कितने संतुष्ट हैं, क्या क्या ऐसी 100% सर, 100% तो दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री केजरीवाल। आई लव केजरीवाल। और कोई कुछ? आई लव केजरीवाल। आई लव केजरीवाल। देखिए ये किस तरीके से महसूस हो रहा है जनता के अंदर कि किस कदर इस विधानसभा में आक्रोश है विधायक के प्रति, और लेकिन केजरीवाल के कामों से सभी लोग खुश हैं, लेकिन विधायक से पूरी कोई जनता इस विधानसभा की कोई खुश नहीं है, पूरी तरीके से आक्रोश है और बदलाव चाहते हैं। अब देखते हैं ये कुछ मौलाना साहब और दोबारा कुछ बोलना चाह रहे हैं। देखो मेरा नाम संपन्न है, मैं राजेंद्र पाल गौतम से बहुत पहले से जुड़ा पड़ा हूँ, जब से ये पार्टी बनी है उससे जुड़ा हूँ। लेकिन राजेंद्र पाल गौतम ने जो 5 साल में जो उन्होंने व्यवहार यहाँ कार्यकर्ताओं के साथ करा है वो बिल्कुल दर्दनाक है, और उसके साथ साथ उन्होंने आज तक माइनॉरिटी वालों को तो बिल्कुल इग्नोर करा, और माइनॉरिटी के इलाके वाले हमने एक E47 झुग्गी है और E43 झुग्गी है, हम बैठे हैं यहाँ पर मीटिंग हो रही है, यहाँ के पानी के लिए हमने 5 साल से लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने पानी का इंतजाम यहाँ पर नहीं करा। और हर बार वो तो पता चल रहा है, वो कहते हैं कि हमने पूरी कोई कमी नहीं छोड़ी पानी वानी, लेकिन नहीं पानी की समस्या इलाके में, एक मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, हमारे इलाकों के नाले सब भरे पड़े हैं, रास्ता जाम है, पानी निकलने का निकासी नहीं है, आज तक कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे मानिटी इलाकों, कोई भी काम, एक भी काम यहाँ पे नहीं हुआ। बाकी जो काम हुआ अपने इलाके में कराए, अम्बेडकर जाए वो बनाया, चौपाल बनाया, इधर ये बनाया उधर, लेकिन इनके फंड से आज तक कोई, दिल्ली सरकार ने जो भी काम कराया तो दिल्ली सरकार का है, अरविंद केजरीवाल की योजना है। बाकी राजेंद्र पाल गौतम ने अभी तक कभी आज तक शकल नहीं दिखाते थे, जब लोकसभा के इलेक्शन में जब हमारी पार्टी हारी 3rd नंबर पर आई, उसके बाद जब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन फला फला विधायकों का टिकट कटेगा, उसके बाद से ये अपनी गतिविधि थोड़ी सी तेज करके हरकत में आए हैं, वरना ये हरकत में कभी किसी कार्यकर्ता कोई फोन करता है तो बंदा फोन नहीं उठाता,
उसको रिप्लाई भी नहीं करता। कोई मर रहा है तो मरने दो, समझे। कभी किसी को दुख सुख में खड़ा नहीं होता। देख लो, किसी चीज की अगर आ जाए तो बात है। खाने में सबसे तेज। अच्छा, दावत। अच्छा, चलिए चलिए, सबसे पहले दावत खा रही है। ठीक है, सारे लोग पूरी तरीके से खुश नहीं है इस विधानसभा में और बदलाव की ओर जाना चाह रहे हैं। दिल्ली से जो अरविंद सागर, जनवाद टाइम्स, सच के साथ एक कदम।